राजेंद्र गुड्डा मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो जरूर है कि वो दूसरी पार्टी में, मैं दूसरी पार्टी में हूँ। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत देपरा में हम पहुँचे हैं। कल से एक सोशल मीडिया पर एक फोटो है, वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उस फोटो में दिखाया जा रहा है कि उदयपुरवाटी के विधायक हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा, उनके साथ बैठे हुए हैं उदयपुरवाटी नगर पालिका के चेयरमैन रामनिवास सैनी और देपरा के पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी जी उनमें बैठे हुए हैं। तो काफ़ी मतलब कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से ट्रोल हो रही है कि देपरा के पूर्व सरपंच हैं मूलचंद सैनी जी जो राजेंद्र सिंह गुड्डा की शरण में चले गए हैं और ये राजेंद्र सिंह गुड्डा के गुट में चले गए। ऐसे काफ़ी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ये चीज़ें वायरल हो रही है। हमारे पास कल से काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, व्हाट्सएप मैसेज आए हैं और कॉल आई है कि देपरा जाकर आप देपरा में मूलचंद सैनी जी का इंटरव्यू कीजिए, आखिर ये क्या है पूरा मामला कि देपरा के सरपंच हैं जो लंबे समय तक भाजपा में रहे हैं, अपना पूरा जीवन भाजपा को समर्पित किया है, आज वो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जिसके कारण वो राजेंद्र सिंह गुड्डा के साथ जाकर और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पूरा मामला क्या है। देपरा में हम पहुंचे, हमारे साथ पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी जी मौजूद हैं, पूरी बातचीत करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राम राम जी सरपंच जी। नमस्कार। कल से एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रही है बहुत तेज़ी से, उसमें दिखाया जा रहा है आपकी तस्वीर भी है, उदयपुरवाटी नगर पालिका के चेयरमैन है रामनिवास सैनी जी उनकी तस्वीर भी है और उदयपुरवाटी के जो वर्तमान विधायक हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा उनकी तस्वीर भी है। उन तस्वीर को देख कर कयास लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक बहुत तेज़ी से ये चीज़ें वायरल हो रही हैं कि मतलब देपरा की जो सरपंच जी हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो राजेंद्र सिंह गुड्डा के साथ जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मामले में पूरी क्या सच्चाई है, क्या था पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं छात्र जीवन से बीजेपी विचारधारा कर रहा हूँ और आज दिनांक तक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ, ग्रामीण मंडल चौरा का मैं महामंत्री हूँ। कल क्या होगा इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज तक ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कांग्रेस में चला गया, बीएसपी में चला गया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कल मैं ज़रूर, ये बात सही है, सटिंडा धाम गया था, राजेंद्र जी गुड्डा से मिला था, रामनिवास जी मेरे साथ थे कि नहीं, मुद्दों विशेष को लेकर मैं वहाँ उनसे बात की थी, ग्राम के विकास के संबंध में बात की थी। और ये सरपंच का दायित्व होता है कि वो ग्राम विकास के लिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, ग्राम विकास के लिए उसको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। राजेंद्र जी गुड्डा इस क्षेत्र के MLA हैं, वो सबके MLA हैं, मेरे भी हैं, चाहे मैं उनसे जलन रखूं, उससे क्या फ़ायदा है, MLA तो वो ही रहेंगे। आज मैं मेरे गांव का सरपंच हूं तो मैं ही रहूंगा, चाहे कुछ भी कहे, दूसरा कोई बन नहीं सकता। तो मैं किसी विकास कार्य के लिए उनके से बातचीत की थी, वहां था मैं, ये बात सही है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैंने बीजेपी को छोड़ दिया है। या मैंने बता दिया आपको कि मैं पूर्व से ही, छात्र जीवन से ही बीजेपी में हूँ और आज दिनांक तक तो बीजेपी में हूँ। बाकी रही बात उनसे मिलने की, इससे पूर्व भी मैं चौथी बार बना हूँ, अब की बार मेरे परिवार से है, अभी मेरी वाइफ है, उससे पहले मैं 3 बार स्वयं रह चुका हूँ। तो उस समय भी, आज ये मीडिया का ज़माना है, आज जहाँ कहीं भी आप बैठ जाओ आपकी फ़ोटो लगा के उसको वायरल कर देते हैं। पहले मैं रहा था, पंचायत समिति का मेम्बर भी रहा, उस समय मैं पंचायत समिति में खूब बहस करते थे, कांग्रेस वालों से लड़ते भी थे, MLA साहब उस समय शिवनाथ जी थे, लेकिन उनसे मेरी अच्छी पटती थी जी। कई बातों में वो मेरे को बहुत बेटे देते थे, इसके बाद में गुड्डा ठाकर रहे, उनसे मेरी आज भी पटती है, पहले ही पटती थी, रणवीर जी गुड्डा बने, उनसे मेरी अच्छी बनी है, मैंने उनसे काफ़ी विकास के पैसे भी लिए हैं। और यही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं CM के पास भी जाऊँगा, विधानसभा अध्यक्ष के पास भी जाऊंगा। और आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ये विधानसभा अध्यक्ष जो है CP जोशी जी, इनकी वाइफ जो हो वो मेरे साथ सहपाठी रही हुई है, तो कोई विशेष बात आई, कोई बड़ी बात आई तो मैं CP जोशी को भी जाकर ये बताऊँगा और उनसे हल करवाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं, ये सब अफवाहें हैं कि बीजेपी उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी लोग हैं जिनका कल से हमारे पास मैसेज कॉल आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में कि कल वो जो खबर थी वो गलत थी?
मैं गलत या सही नहीं बताता, वो चाहे कुछ भी मान लें। इसको ज़्यादा मीडिया पर वायरल करने वाले हमारे ही बीजेपी के लोग हैं जो हमारे से ईर्ष्या रखते हैं। ईर्ष्या का कारण भी है, पिछले दिनों मुझे पंचायत समिति का टिकट नहीं मिला, जबकि मैं यहाँ का मजबूत प्रबल दावेदार था। इसके बावजूद जिले की टीम ही ऐसी बना दी, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया तो, लेकिन क्या मैं बीजेपी से बाहर हो गया? नहीं हुआ जी। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसमें इस वीडियो को ज़्यादा वायरल कर रहे हैं कि शुभकर्ण चौधरी को झटका लग गया और गुड़ा मजबूत हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़ा के पास मेरे पहले भी मधुर संबंध रहे हैं, अब भी मैं जाऊँगा उनके भाई से ही मेरे मधुर संबंध हैं, और गुड़ा हमारे पड़ोस का है, आज से 20 साल पहले से ही मेरी उनसे मुलाकात है। किसी शादी समारोह में मिलते हैं, कोई समारोह है, धार्मिक आयोजन है, उसमें वहाँ बातचीत करना, बैठना, उनके साथ मिलना जुलना, चाय पीना, क्या उससे मैं कांग्रेस में चला गया या BSP में चला गया? लेकिन जहाँ मुद्दों की बात आती है, मैं आज भी BJP के साथ हूँ, रहूँगा, और इस वीडियो को वायरल करने वाले मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, और वो विशेषकर मैं ये बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का आदमी ज़्यादा है जी। तो मेरा यही कहना है कि आज दिनांक तक मैं BJP में, कल को कुछ भी होगा। और राजनीति में ऐसा है, न कोई स्थायी दुश्मन होता है और न कोई स्थायी दोस्त होता है। राजेंद्र गुड्डा मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो ज़रूर है कि वो दूसरी पार्टी में, मैं दूसरी पार्टी में हूँ, लेकिन वहाँ जाना और उनसे कोई विकास के ऊपर बात करना, विकास के लिए धन मांगना, आज 5 करोड़ रुपए विधायक को मिलते हैं, क्या वो एक अकेले, वो तो गुड़ा के हैं, गुड़ा पर ही खर्च कर देंगे क्या? हमारा भी हक है तो हम उनको मांगेंगे। पंचायत हमारी नई नई बनी है, धन की कमी है, तो हर तरह से मुझे सोर्स लगाने पड़ेंगे, जहाँ भी मुझे पैसे मिलेंगे, जिस सोर्स से मिलेंगे, मैं लाने की कोशिश करूँगा। राजेंद्र गुड्डा के पास ही नहीं, मैं CM के पास भी जाऊँगा, विधानसभा अध्यक्ष के पास भी जाऊँगा, और ये BJP वाले चाहे कुछ भी करें, ये जो वो BJP वाले जो मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, उन्होंने ये ज़्यादा अफवाह फैलाई और उनमें ताकत है तो हटा दो मुझे। आज भी मैं ग्रामीण मंडल का महामंत्री हूँ, इससे पहले मैं पूरी उदयपुरवाटी मैं ग्रामीण मंडल का महामंत्री था, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मिला है, मैं ज़रूर मिला हूँ, कल रामनिवास जी के साथ मिला हूँ, राजेंद्र गुड्डा से मेरी बात हुई है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातें हुई है, उन्होंने मुझे अच्छा वेटेज दिया है और ये आश्वासन दिया है कि जो भी आपके हिस्से में आएगा ज़रूर आपको भी विकास के लिए योजनाएँ मिलेंगी, पैसे दूंगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जी, साथ दीपरा से पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी जी, जिन्होंने पूरी जो बात थी उनका पर्दाफाश कर दिया है। इन्होंने बताया कि छात्र जीवन से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं लोगों ने इस मामले को ज़्यादा तूल दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो मेरे से ईर्ष्या रखते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि एक जनप्रतिनिधि होता है, वो अपने क्षेत्र के विधायक से अपने गाँव के विकास के लिए जा भी सकता है, लेकिन इस चीज़ को हम से नहीं सोच सकते कि वो अगर वहाँ चले गए तो हमने पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, हम कांग्रेस में मिल गए। एक जनप्रतिनिधि अपना कितना भी चाहे विरोधी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन विकास के लिए वहाँ जाएगा, ये कोई गलत बात नहीं है। तो ये हमारे साथ दीपरा से मूलचंद सैनी जी थे, जिन्होंने कल जो फोटो वायरल हुई थी उसके मामले में हमने इनसे स्पष्टीकरण मांगा, इन्होंने पूरी तरीके से बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, साथ हैं, और कल क्या होगा ये हम बता नहीं सकते, लेकिन आज तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया झुंझुनू।